अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। आज टॉपिक नंबर सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का पहला टॉपिक यानी कि चैप्टर है पावर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था द केस ऑफ द नेपाल। तो आज जो सेकंड टॉपिक है उसमें वो है बोलिवियस वाटर वॉर। ठीक है, अब सबसे पहले है कि ये बोलिविया है क्या। बोलिविया जो है वन ऑफ द स्मॉल एंड द पुअर कंट्री इन लैटिन अमेरिका। तो एक्चुअली यहां पे एपिसोड ये है कि बोलिविया की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो जिससे पहले मैंने कहा कि गरीब कंट्री है, छोटी कंट्री है लैटिन अमेरिका में। तो बोलिविया की जो गवर्नमेंट है, इससे पहले क्या हुआ कि उन्होंने इंटरफेयर किया जो वहां की म्युनिसिपैलिटी थी बोलिविया की, एक सिटी जिसका नाम है कोचाबाम्बा। ठीक है, तो कोचाबाम्बा जो है ये बोलिविया में एक सिटी है। तो यहां की जो गवर्नमेंट थी, हम कह सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ द बोलिविया, उन्होंने जो वाटर राइट्स थे वो बेच दी। दे सोल्ड द वाटर राइट्स ऑफ फॉर अ सिटी कोचाबाम्बा टू अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो बोलिविया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने वाटर राइट्स जो इस सिटी के थे कोचाबाम्बा, उनको जो वाटर मिल रहा था, तो उससे पहले वो उनको म्युनिसिपैलिटी सप्लाई कर रही थी। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है उन्होंने वाटर राइट्स जो है उनको सोल्ड किया एक मल्टीनेशनल कंपनी को। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनी ने क्या किया कि इन्होंने वाटर का जो टैक्स था या वाटर रेट जो है उन्होंने इंक्रीज की थी। इंक्रीज्ड द वाटर रेट्स एट 5 times। उन्होंने 5 times जो है वाटर टैक्स इंक्रीज किया, वाटर प्राइस जो है वो उन्होंने 5 times जो है उसको इंक्रीज कर दिया। तो इससे प्रॉब्लम ये हुई कि जो कोचाबाम्बा जो स्टी है, जो यहाँ के लोग है या बोलिविया के जो लोग थे, उनको जो मंथली जो उनको पेमेंट देनी पड़ती थी या वाटर टैक्स हम जिसको कहेंगे, वो उनको 1000 rupees देना पड़ता था। और जबकि उनकी जो मंथली इनकम थी, किसी की 4000 थी, किसी की 5000, तो एवरेज मंथली इनकम जो वहां की फैमिली थी वो थी जस्ट 5000। और 5000 में जब आपको 1000 वाटर टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि कोचाबाम्बा में जो है 2000 जनवरी 2000 में बहुत सारे ग्रुप्स मिलके आए और इन्होंने स्ट्राइक की कॉल दी। इससे पहले भी हमने नेपाल में पढ़ा था कि वहां पे भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज मिल रही थी, एक इंसर्जेंट ग्रुप जो है वहां पे जो मेयर्स ने सपोर्ट किया था और जैसे उन्होंने स्ट्राइक की कॉल दी थी, तो वैसे ही यहाँ पे जनवरी 2000 में बहुत सारे ग्रुप्स मिलके आए और इन्होंने स्ट्राइक की कॉल दी, 4 days की स्ट्राइक दी। इनमें से जो ग्रुप्स थे, लेबर ग्रुप था, ह्यूमन राइट्स का ग्रुप था और जो कम्युनिटी लीडर्स थे, इन्होंने भी मिलके एक अलायंस बना दिया। अलायंस इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अलायंस का मतलब हो गया जब दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स जो है या पार्टियां जो है, जब वो ग्रुप्स बनाए, जब वो फ्रेंडशिप बनाए, जब वो पैक्ट बनाए, उसको हम अलायंस कहते हैं। ठीक है, या वो एग्रीमेंट बनाए तो उसको हम अलायंस कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अलायंस बना दिया और उसके बाद जो है 4 days की स्ट्राइक की कॉल उन्होंने दे दी। ठीक है, उसके बाद जो बोलिविया की गवर्नमेंट है उसने काफी कोशिश की नेगोशिएट करने की। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ द बोलिविया, तो उन्होंने ट्राई की कि हम नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे और फाइनली जो है इन लोगों को कहा गया कि आप स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दीजिए। तो ये हुआ कि स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ कर दी गई। गवर्नमेंट ने कहा हम नेगोशिएट करेंगे, हम देखेंगे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कुछ भी अच्छा इनके लिए नहीं हुआ। यानी कि गवर्नमेंट जो है उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एक कान से सुना और दूसरे कान से छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो बोलिविया के जो ये कम्युनिटी थे, जो ये लीडर्स थे या जो ह्यूमन राइट्स जो वहां पे जो ग्रुप्स थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है चैलेंज दिया था कि मतलब वो सड़कों पे आने लगे। ठीक है, तोड़फोड़ जो है वो करने लगे और अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन था कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल मेजर्स, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो भी अब लोगों के साथ जबरदस्ती जो है वो करने लगा था और अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट ने वहां पे इम्पोज कर दिया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब हो गया जब मिलिट्री की हेल्प ली जाए एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हम मार्शल लॉ कहते हैं। यानी कि जब आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है मिलिट्री चलाए, तो उसको हम मार्शल लॉ कहते हैं। तो इसके जो है गवर्नमेंट जो है इसने मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन पब्लिक का जो प्रेशर था वो काफी ज्यादा था। ठीक है, तो क्योंकि सारे ग्रुप्स जो है वो मिलके आए थे, तो फाइनली लोग जो है उन्होंने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को, उन्होंने प्रेशराइज किया मल्टीनेशनल कंपनी पे जो है काफी प्रेशराइज किया गया और अल्टीमेटली इसीलिए जो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक को इंटरफेयर
करना पड़ा, वर्ल्ड बैंक जो है को इनको इंटरवीन करना पड़ा, और अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक जो है इसने भी प्रेशराइज किया जो गवर्नमेंट थी बोलिविया की, उसको प्रेशराइज किया कि जो आपने ये कंट्रोल कर रहे हो म्युनिसिपैलिटी वाटर सप्लाई को, ये आप छोड़ दीजिए ये कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि लोगों का काफी प्रेशर था। तो अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था मल्टीनेशनल कंपनी के साथ उसको कैंसिल किया गया और वाटर सप्लाई जो है वो रिस्टोर की गई म्युनिसिपैलिटी को ओल्ड रेट्स में, यानी कि अब लोगों जो है उनको वाटर सप्लाई जो है वो मिलने लगी उनकी जो पुरानी जिस हिसाब से उनको वाटर मिलता था, तो पुरानी रेट के हिसाब से जो है उनको वाटर मिलने लगा। तो इसी एपिसोड जो है उसको हम कहते हैं द बोलिवियस वाटर वॉर, ठीक है। तो ये आपका एपिसोड था, पहले हमने नेपाल का एपिसोड पढ़ा था, दूसरा जो है हमने इसमें आज जो हमारा टॉपिक था तो वो था बोलिविया वाटर वॉर, ठीक है। तो जो अब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया इसमें, तो पहले नेपाल का, सेकंड जो है बोलिविया, ठीक है। तो उसके बाद जो थर्ड है इसमें, दैट इज डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर सिटीजंस, ठीक है। देखो हमने दो एपिसोड्स पढ़े इसमें, नेपाल का और बोलिविया का। अगर आप ध्यान देंगे दोनों एपिसोड्स पे, नेपाल में जो मूवमेंट चली थी वो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इशू को लेके नहीं थी। तो जो मूवमेंट नेपाल में चली थी वो थी कंट्री की मेन फाउंडेशन को लेके, तो वो थी डेमोक्रेसी को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, असेंबली को लेके, गवर्नमेंट को लेके, ठीक है। और बोलिविया का जो एपिसोड है वो डिफरेंट था इससे, क्योंकि बोलिविया में जो है एक कंट्री की फाउंडेशन को लेके प्रॉब्लम नहीं हुई थी, यानी कि वहां डेमोक्रेसी को लेके प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वहां कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को लेके प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ठीक है। तो वहां किंग सिस्टम को लेके प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वहां जो प्रॉब्लम थी वो थी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉलिसी को लेके, और पॉलिसी थी कि जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर वहां पे किया गया था तो उसके खिलाफ वहां पे स्ट्रगल की गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों केसेस में, दोनों स्टोरीज में जो है प्रॉब्लम डिफरेंट थी, लेकिन दोनों स्टोरीज में एक कॉमन फीचर हमें मिला और वो था मैस मोबिलाइजेशन, यानी कि कंट्री की अलग अलग प्रॉब्लम थी, नेपाल की अलग, बोलिविया की अलग, लेकिन दोनों स्ट्रगल में, दोनों मूवमेंट्स में एक कॉमन फीचर था, वो था कि लोगों को इन्वॉल्व किया गया, उसमें लोग जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो वही है जिसको हम कहते हैं मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो इसमें हम कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था नेपाल, ठीक है, नेपाल का हमने कहा था कि इससे पहले जो हमने कहा था कि नेपाल में मूवमेंट स्टार्ट किसने की थी, नेपाल में मूवमेंट जो स्टार्ट की थी वो पॉलिटिकल पार्टीज ने स्टार्ट की थी, ठीक है। अगर आप याद करोगे जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया, वहां जो डिफरेंट जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने एक अलायंस बनाया था, ठीक है, और उसको नाम दिया था SPA, यानी कि सेवन पार्टी अलायंस। सेवन पार्टी अलायंस जो है उसके बाद उनको सपोर्ट दिया था एक ऑर्गेनाइजेशन ने, और वहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो थी मेओस्टस। बात समझ में आई? अगर हम देखें मेओस्टस जो है ये ऐसा ग्रुप था जो बिलीव नहीं कर रहे थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बिलीव ही नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सेवन पार्टी अलायंस को सपोर्ट दिया, ठीक है। उसके बाद जो है वहां पे सपोर्ट उनको मिला टीचर्स का, सपोर्ट उनको मिला ह्यूमन राइट्स ग्रुप का, उनको सपोर्ट मिला जो वहां के लॉयर्स थे, जो वकील वहां पे थे। तो सबसे पहले हम यहां पे ध्यान देंगे कि नेपाल में जो जो स्ट्रगल स्टार्ट की थी, जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो पॉलिटिकल पार्टी ने स्टार्ट की थी, उसके बाद वहां पे एनजीओज आए थे, उसके बाद वहां पे सिविल सोसाइटी आई थी, ठीक है। और एज अगेंस्ट ऑफ दिस अगर हम दूसरा एपिसोड देखें वो था बोलिविया का। बोलिविया आप देख लीजिए वो जो है वहां की जो मूवमेंट है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने स्टार्ट नहीं की थी, ठीक है। वहां सबसे पहले जो स्टार्ट की थी वो मूवमेंट वो एक ऑर्गेनाइजेशन ने की थी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम था फेडिकॉर, ठीक है। तो जो कोचाबांबा में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसका नाम था फेडिकॉर। फेडिकॉर के जो मेंबर्स थे वो प्रोफेसर्स थे, इंजीनियर्स थे, एनवायरमेंटलिस्ट्स थे, ठीक है। और उसके बाद जो है इनको सपोर्ट दिया वहां के जो फार्मर्स थे, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, और लास्ट में जो है उनको सपोर्ट दिया था सोशलिस्ट पार्टी ने। अब देखो अगर आप गौर से इस टॉपिक को देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको कहा नेपाल का, नेपाल में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं थी, कंट्री की मेन फाउंडेशन को लेकर स्ट्रगल हुआ था। और दूसरा जो नेपाल का यहां पे पॉइंट है कि सर वहां की जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट की थी पॉलिटिकल पार्टीज ने और उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया था। अगर हम बोलिविया का देखें, बोलिविया में इसका रिवर्स हो गया।
बॉलीविया में जो है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी और वो थी जो स्ट्रगल वहां पे हुई थी वो था प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। लेकिन बॉलीविया में पॉलिटिकल पार्टी ने मूवमेंट को स्टार्ट नहीं किया, वो ऑर्गेनाइजेशन ने किया और उसके बाद सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने सपोर्ट किया था और अल्टीमेटली जो है सोशलिस्ट जो एक पॉलिटिकल पार्टी वहां पे थी तो उसने सपोर्ट किया था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मूवमेंट में या किसी भी स्ट्रगल में, ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है कैन प्ले इट्स रोल इन टू वेज। ऑर्गेनाइजेशन का जो है दो तरीके से रोल आ सकता है, वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है दो तरीके से अपना रोल प्ले कर सकता है, वन इज द डायरेक्ट एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट कहां पे है और इनडायरेक्ट कहां पे, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट का मतलब है जहां पे जो लोग हैं, जहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, वो डायरेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाते हैं। तो इन दिस सिस्टम यहां पे जो लोग होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाते हैं, यानी कि वो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, अपने मेंबर्स को जो है इलेक्शन के लिए जो है वो नॉमिनेट करते हैं। तो उसके बाद लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, और अल्टीमेटली जो है यहां पे वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट की बात करेंगे। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट रोल प्ले करता है। और सेकंड हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि जहां जो ये लोग होते हैं, जो ये ग्रुप्स होते हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं करते, वो इनडायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, लेकिन उनका हमेशा इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट डिसीजन होते हैं उनके डिसीजन पे जो है इस ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है, और इन को हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है दो तरीके से अपना रोल प्ले कर लेते हैं, वन इज द डायरेक्ट एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में मैंने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, पॉलिटिकल सिस्टम में। तो पॉलिटिकल सिस्टम में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है, यानी कि यहां पे वो पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि दे कंटेस्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन में आ जाते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि दे डायरेक्टली कंट्रोल गवर्नमेंट सिस्टम, वो डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट में मैंने कहा कि इनको हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। प्रेशर ग्रुप्स क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस जो है ये गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करते, इनके कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में नहीं लड़ते, ठीक है। इसके जो जो मेंबर्स के होते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन जो मैंने कहा था कि इनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और ऐसे ग्रुप को हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो इसमें टॉपिक था कि पहले नेपाल का, उसके बाद बॉलीविया का, और उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशंस, कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है बाकी के टॉपिक्स हम बाकी वीडियोज में आपके लिए जो है डाल देंगे।